आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जमियत उलेमा हिंद के अधिवेशन में अलग अलग धर्म के अनुयायी पहुंचे थे। ऐसे में मौलाना अरशद मदनी ने हिंदू मुस्लिम धर्म पर बात करते हुए अल्लाह और ईश्वर की तुलना कर डाली, जिस पर असहमति व्यक्त करते हुए जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि ने वॉकआउट करने का फैसला किया। वहीं स्वामी चिदानंद सरस्वती किसी के भी पक्ष में बोलने से बचते दिखाई दिए। अधिवेशन में मौलाना मदनी ने ऐसा क्या कहा जिस पर विवाद हो गया, आओ जानते हैं। कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं, फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की तारीख है, ये दुनिया के धर्मों की तारीख है। कोई साबित नहीं कर सकता कि ओम यानी आदम अल्लाह को छोड़कर, जिस अल्लाह ने अपने हमारे अकीदे के मुताबिक उनको तो उनके पुतले को पहले धरती को पैदा किया, धरती में मट्टी पैदा की, और जितने रंग और जितनी तरह की मट्टी थी सब मट्टी में से थोड़ा थोड़ा लेकर अल्लाह ने यानी ओम ने अपने हाथ से आदम यानी मनु के पुतले को बनाया। इसीलिए हदीस में आता है कि जितनी तरह की जितने रंग की मट्टी थी आदमी आदम की औलाद मनु की औलाद मनुष्य की औलाद उतने ही तरह उतने ही रंग की बदली। कोई मट्टी सख्त है आदमी के दिल के अंदर सख्ती है, कोई मट्टी नरम है, जैसी मट्टी थी वैसा ही असर आदम यानी मनु की औलाद के अंदर पाया जाता है। ये हमारे इस धर्म की खसूसियत है। इसका मतलब है कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहां से पैदा हुई है। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है। ओम एक है, अल्लाह है एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर ये चीज चलती रही। ये आदम और ओम का यही अकीदा था, उनसे गलती हो गई। हमारा कुरान कहता है वो परेशान थे कि मैं अपने अल्लाह से यानी ओम से। वहीं जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि ने उनके इस वक्तव्य का कड़े शब्दों में खंडन करते हुए उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती दे डाली। किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे चार गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। और इष्ट नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है
मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत है आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद ये फालतू की बातें सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन। यह बात सहमति की नहीं असहमति की नहीं है, मुझे लगता है कि थोड़ा समझ का फेर हुआ है वहाँ पर। किसकी? उन्होंने आपस में जिसका भी हुआ हो बायकॉट करना जल्दबाजी थी। मुझे लगता है कि आप बायकॉट कर रहे हैं इसका सर, ये नहीं नहीं, मैं किसी चीज का बायकॉट कभी नहीं करता। रास्ता बायकॉट कभी भी नहीं है, रास्ता है सहमति, रास्ता है संवाद, रास्ता है समाधान के द्वार खोलना। इसलिए तो एक मंच पे हम लोग हैं।